वेलकम टू कुकिंग जंक्शन। मैं हूँ आशा। आज मैं बनाऊंगी चिकन कढ़ाई कबाब। तो आइए देखते हैं बहुत ही मज़ेदार लजीज चिकन कढ़ाई कबाब। कुकिंग जंक्शन पे आप सबका वेलकम। हेलो व्यूअर्स, एक के बाद एक आपके सामने हमारा वीडियो आ रहा है। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा और साथ ही हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। कढ़ाई चिकन कबाब बनाने के लिए 750 ग्राम चिकन लिया है और इसे अच्छी तरह से धोकर रख लिया है। इसमें डाल 1 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 teaspoon गरम मसाला, 1/2 teaspoon नमक, 1 teaspoon के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए खाने को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसे आधा घंटा के लिए मैरिनेशन में डाल देंगे। 1 टेबल स्पून पोस्ता दाना लेंगे और 5 से 6 काजू। इसे भून लेंगे, हल्का रोस्ट कर लेंगे ताकि इससे अच्छी खुशबू आएगी। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर रखना है। इसे ये रोस्ट हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है और इसमें 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, सरसों तेल। तेल गरम हो चुका है, 1 छोटे साइज का प्याज, इसे फ्राई कर लेंगे। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस एक पिंक सा कलर आ जाएगा इतना ही फ्राई करना है। लाइट पिंक कलर का प्याज हो चुका है फ्राई, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इन दोनों का फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। सबसे पहले प्याज डाल देंगे और ये दोनों डालकर बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। ज्यादा पानी डालकर इसे नहीं पीसना है। आधा घंटा हो चुका है, इसे खोलते हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे, साथ ही में ये पोस्ता दाना और काजू प्याज जो बारीक पेस्ट तैयार किया है उसे डाल देंगे। बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वन टेबल स्पून सरसों तेल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल। इससे कबाब बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। और डालने के बाद इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा देर तक रहेगा कबाब उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा और मसाला चिकन में अच्छी तरह से अब्जर्व हो जाएगा। जिस तेल में प्याज फ्राई किया था उसी तेल में 1 टेबल स्पून और मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, सरसों तेल। उसमें दालचीनी का 1 टुकड़ा, लौंग 3, और 1 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची डाल दूंगी। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे खुशबू आने तक। ये खुशबू आने लगी है, इसमें चिकन को डाल देंगे। ये
कढ़ाई में डाल दिया है और इसे 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर रखेंगे और उसके बाद फिर थोड़ा लो फ्लेम कर देंगे 5 मिनट के बाद। लो जब तक इसका पानी कर 5 मिनट हो चुका है, गैस को लो कर देते हैं और ढक्कन लगा देते हैं। बीस मिनट हो चुका है, खोल कर देख लेते हैं और ये इसका पानी सूख चुका है तो इसे पलट देंगे। इसे अच्छी तरह से चला देंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से चलाना है, चिकन का गोश्त नरम होता है, टूटे नहीं। और इसे फिर ढककर रख देते हैं जब तक एक्स्ट्रा ऑयल नहीं आ जाता। ढक्कन खोल के देख लेते हैं और ये चिकन जो है तो बिल्कुल तैयार है, कढ़ाई चिकन कबाब। आप चाहे तो ग्रेवी को बिल्कुल सुखा सकते हैं लेकिन यहाँ पे ग्रेवी थोड़ा सा सूखा है और इस तरह से इसे पलट लेंगे और इसको स्मोक देंगे। अब बीच में जगह बनाने के बाद इसे कोयले से स्मोक देंगे। एक कोयले को अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसके बाद ये अल्मुनियम फॉयल से हमने कटोरी बनाई है, आप चाहे तो स्टील की भी कटोरी ले सकते हैं छोटी, और इसमें ये कोयला डाल देंगे। बीच में जगह बनाने के बाद इसको डाल देंगे और साथ में डालेंगे बटर या घी डाल देंगे, इससे धुआं अच्छा होता है और इसकी खुशबू जो है खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए, जब तक इसमें धुआं रहेगा तब तक इसे ढक कर रखेंगे। और ये ढक्कन हटा कर देख लेते हैं और इसे हटा लेंगे। चिकन तैयार हो गया वह है, बहुत ही जायकेदार, मज़ेदार और लजीज चिकन कढ़ाई कबाब बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसको ग्रेवी को बिल्कुल ड्राई कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा ढीला रखा है क्योंकि नान के साथ खाना है। आप चाहे तो बिल्कुल ड्राई करके और इसे स्टार्टर में या स्नैक की तरह भी खा सकते हैं। तो अब ये तैयार हो गया, अब इसे निकाल सर्व कर लेते हैं और बहुत ही मज़ेदार लजीज और जायकेदार चिकन कढ़ाई कबाब बनकर तैयार है। क्या लगा आपको हमारा रेसिपी, कमेंट में जरूर बताइए।